गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। एक नए व्लॉग की शुरुआत हो गई है हमारे बनिहार रेलवे स्टेशन से, ठीक है ना। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, बनिहार रेलवे स्टेशन। मैं घर से निकला था, अभी मैं थोड़ा जल्दबाजी में आया, वरना मैंने व्लॉग वहीं पे स्टार्ट किया होता तो क्या था कि ट्रेन का टाइम जो है कम है, ट्रेन का टाइम चेंज हो चुका है आज और एक टाइम आया है। पहले 9:30 यहाँ से जाती थी, अब 5 मिनट कम 10 बजे यहाँ से ट्रेन निकलती है। सो करेंगे यहाँ से एक काम, यहाँ से बैठेंगे ट्रेन में सीधे अनंतनाग के लिए, और अनंतनाग में आज आपका अनंतनाग का मार्केट दिखाते हैं। वैसे आज संडे, मुझे नहीं पता मार्केट खुला होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मैं लेके चलूँगा वहाँ के लिए, और वहाँ देखेंगे क्या मार्केट खुला होगा या नहीं होगा। अगर होता है ठीक तो कुछ लेंगे भी और मार्केट भी दिखाएंगे। सो चलो करते हैं, यहाँ से काम निकालते हैं, वहाँ से टिकट चलते हैं अंदर ट्रेन में और चलते हैं अनंतनाग। एक सो गाइस, फाइनली हमने यहाँ से अनंतनाग की टिकट निकाल ली। आप ट्रेन को भी देख सकते हो, ये हमें टिकट यहाँ पे मिली, 30 रुपीज़ इनने टिकट काटी और 50 में 20 वापस किए। ये ट्रेन का जो नया टाइम है ये आ चुका है, ये चेक कीजिए जो हमारे बनिहाल के नए, ये चेक कीजिए आप यहाँ से जो है नया, तो टाइम थोड़ा कम बचा है हमारे पास। एक काम करेंगे, सीधे यहाँ से निकलेंगे आगे के लिए। गाइस हमने टिकट भी ले ली, इसी ट्रेन में हमें बैठना है अनंतनाग के लिए। सो फाइनली ये रहा हमारे बनिहाल का रेलवे स्टेशन, बहुत दूर दूर से पहाड़ खूबसूरत वाले। ये नीचे एक ट्रेन लगी है, ठीक है ना। ये देखिए जनाब, ये स्टेशन जो है ना हमारा बहुत ही खूबसूरत है, लाजवाब। अब जो यहाँ से ट्रेन जाने वाली है वो सीधे जम्मू, कटरा, दिल्ली वगैरह। अब यहाँ से जो इसका नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो है खड़ी। यहाँ से व्यू चेक कीजिए, सो चलिए बैठते हैं हम इस ट्रेन में और चलते हैं अनंतनाग के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और अनंतनाग में क्या दिखा पाते आज आपको दिखाएंगे वो। सो गाइज फाइनली ट्रेन में तो हम आ गए, लेकिन यहाँ पे सीट मिलना नामुमकिन है, क्योंकि इस ट्रेन में अभी रश इतना बहुत इतना ज़्यादा है ना कि मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। मैं 3 डब्बों में घूम के आ चुका हूँ, कहीं भी सीट जो है खुली नहीं है। आप मेरे बैग में चेक कर सकते हो, यहाँ से कहीं पे भी सीट नहीं मिल रही है हमें। सो एक काम करेंगे, हमें कितना 2-3 स्टेशन तो है, तब तक हम यहाँ पे रह जाएंगे, तो वहाँ से आगे क्या रहेगा देखने को वो दिखाएंगे। फिर उसके बाद जो आपके बाइक को वो बाद में बताऊंगा, बाद की बात बाद में होती है, अभी नहीं होती है। दो मिनट से खाली बोर्ड ही लेना है मुझे, खाली बोर्ड लेना है अनंतनाग स्टेशन। सो गाइज फाइनली हम पहुंच गए अनंतनाग रेलवे स्टेशन। आप लोग पीछे अनंतनाग का स्टेशन देख सकते हो, और ये यहाँ पे गाड़ियाँ लगी है। आप यहाँ से जहाँ जाना चाहोगे यहाँ पे आपको गाड़ी मिलेगी, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा यहाँ से पैदल जाना है आगे। हमें तो खनबल मार्केट की तरफ तो नहीं जाना है, लेकिन खनबल की तरफ ही जाना है। वहाँ पे मुझे आपके बाइक को हल्का सा काम है, सो एक काम करेंगे यहाँ से निकलेंगे वहीं की तरफ पैदल, और वहाँ से मैं निकलूँगा मार्केट के लिए। और मार्केट आज खुला है या नहीं है अभी मुझे नहीं पता है,
जब हम मार्केट में पहुंचेंगे फिर हमें पता चलेगा। सो आप देख सकते हो यहाँ पीछे मेरे पीछे जो है गाड़ियाँ बस वगैरह लगी है। सो हम यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे मुझे काम है वहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। सो चलो चलते हैं यहाँ से। सो गाइस फाइनली हम मेटाडोर में बैठे थे, ठीक है ना, 3 से 4 किलोमीटर के बीच में हम इस मेटाडोर में आए, आप चेक कर सकते हो। सो चलो अभी एक काम करेंगे, इस ड्राइवर को किराया देंगे, 3 किलोमीटर का हमने कितना किराया भरना है अभी चेक करते हैं। कुछ आज सुधुम? 2 रुपया पर दर्द से सोते हैं फोर में। हाँ ना। चलो शुक्रिया मेहरबानी सर। सो फाइनली हम पहुंच गए अड्डे में, ठीक है ना। अभी हमें जाना था यहाँ से लाल चौक, इधर शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है। शायद मैं आपसे उतनी खास बातें नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आप भी आप पूरे मार्केट जो है मार्केट चेक कर सकते हो। मैं कहीं ऊँची सी जगह पे चढ़ूंगा और ये मार्केट दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो चलो देखते हैं आज की हमें, आज संडे के दिन कौन सा मार्केट मिलता है हमें यहाँ पर देखने को, और क्या लेते हम और किस रेट में हमें क्या मिलेगा। तो चलो करते हैं यहाँ से शुरुआत। इनसे जैकेट है, पैंट, ह्यूमन कैरियर, 2.5 रुपया ओनली, 150 रुपया। सो चलो आगे और चेक करते। बूट कैरियर जनाब, 4 रुपये। ये शूज़ आपको यहाँ पे 400 रुपये में मिल रहा है, ठीक है ना। कमेंट करके ज़रूर कहना कि शॉप में क्या रेट मिलने वाला है। ये ब्लैक ग्रोसर है ये, अच्छा बटन तल खुलन सा यह गरम ना, सर्द है सर्द बटन चला। हाँ डबल एक्सल सी ना, चलिए ब्लू बाबा, ये शे डबल एक्सल अच्छी आल गसन बटन ना अच्छी ठंड आसो ठंड ये शे जोर थी डबल एक्सल ब्लैक सी ने अपना सर कलर यह डबल एक्सल मगर गरम कूत त्रे पीस ब्लैक गाइस फाइनली हम यहाँ पे पहुँच चुके थे। मैंने ये ट्राउज़र वगैरह आपको दिखा दिया, ठीक है ना। तो मैंने ये ब्लैक ट्राउज़र लेना थी, ठीक है। तो अभी मैंने उसको बोला, वो भाई गया है कहीं दुकान पे लाने के लिए, फाइनली भाई ने भाई लेके आ गया। ये देखते हैं हम लेके आ गए ना, डबल एक्सल है ना, बहुत ही सही है। बटन वाली कहाँ है यार, बटन वाली ये कलर यार, ये कोई कलर है हमारे पास। आपने ब्लैक के लिए बोला था ना, ब्लैक वहाँ पे नहीं मिला खाली, क्या कहते हो फिर ये वाला ले ले, आपने ब्लैक के लिए कहा था ना भाई। तो चलो हम देखते हैं ये वाले भाई क्या रेट देगा हमें। हाँ
सो गाइज फाइनली मैं भाई के पास आया था, भाई ने दो पीस मुझे दिखाए लेकिन जो मुझे चाहिए थे वो लेने नहीं है। भाई बोल रहा है कितना 500, आपने बोला अभी लास्ट पे बोल रहा है 450। आप कमेंट करके इतना मुझे बता देना कि आपने ये दुकान से कितने के लाए, ठीक है। परसों एक भाई ने मुझे कुछ कहा था, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे इतना ही कहना कि आपने कितने के लाए, ठीक है। अभी ये भाई सामने, भाई एक सेकेंड, इस भाई ने मुझे दिया, ठीक है, भाई हंस रहा है थोड़ा सा, चलो देते हैं इसको 450 रुपया। 450 रहा था भैया। सो फाइनली हमने उसको दिए 450 रुपया। ये किसी में दो जनाब 100 रुपये निकल रहा है वहाँ से, 100 रुपये और किसी ना हाथ में भी 500। फाइनली 500 रुपये में भाई ने 50 रुपये हमें वापस दिए, दो ट्राउज़र जो 450 के लिए मुझे लगता है अच्छी रेट पे दिए। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अच्छी रेट मिली या नहीं मिली, ठीक है। ₹3.5 चेक कीजिएगा यार, मुझे ब्लैक फुल ब्लैक है, हवा सफेद लेकिन फुल ब्लैक डबल एक्सल। ये नेटस मस ना अच्छा फुल ब्लैक नेट बगर था क्या थोड़ा अंदर लेके चलते हैं। ये मलाइक से फेरन मलाइक है जरा हाई एंगल इसे मिलाए इस बोर्ड से आद भाई साहब, जब हम कामड़ी लेते हैं ना तो इसके अंदर से लेते ₹730 बोल रहा है जनाब, ठीक है। ये चेक कीजिए ये 500 बोला कि क्या बोला, शोर में सुनाई नहीं देता है। चलो शू चेक है, मोबाइल के तो भी नहीं किया शिनका टेंशन से ट्रेन आता शिनका टेंशन शूज शू अ प्लान शूज क्या यूअर यूअर तो क्या शू बूथ वर्ड था ना ना
फाइनली अभी हम आए शॉप पे, बादाम वाली शॉप पे, तो चेक करते हैं कि हमें जुम्मू में क्या रेट मिलती है और यहाँ पे क्या रेट मिलते हैं इस अनंतनाग वाले बाजार में। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यह कितने सन से? 500 रुपये। ब्याह क्वालिटी 574 है भाई। यह कखन 600 है। 700 कुछ अक्ष हाई क्वालिटी उन कुछ अक्ष शीत रुपये एकस मिनटस ठीक है ना के जी। तो ये आप चेक कीजिए, एक सेकंड मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अखरोट वगैरह, अखरोट के दाम मुझे नहीं पता है, लेकिन जब भी आप इस शॉप पे पहुँचोगे तो मुझे लगता है रेट जो मैंने जम्मू में रेट देखी थी और अभी मैं यहाँ पे रेट देख रहा हूँ, आप खुद ही गैस करो कि वहाँ पे क्या रेट है और यहाँ पे क्या रेट है, ठीक है ना। अच्छा कुट वाला चल तुम कहीं के नाम हाथ रुपये बचा नहीं। सो आप चेक कीजिए यहाँ पे जो सेल लगी है ये 100 रुपीज़ सामने वाले और ये 200, ये आप देख रहे हो। सो चलो यहाँ से भी आगे चलते और देखते हैं कुछ। ओके भाई थैंक यू शुक्रिया। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे यार हंस क्यों रहे हो यार, शर्म किस चीज़ की आ रही है आपको। यहाँ पे आ जाओ, कहाँ से हो? बंगाल से। बंगाल से हो जी जी। यहाँ से कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 5 साल से। 5 साल से जी। मतलब क्या एक्सपीरियंस रही है यहाँ की? यहाँ का लोग बहुत अच्छा है, मौसम अच्छा है, लोग कैसे यहाँ पे? बहुत अच्छा है यार, बहुत सही है, पूरा इंडिया में नहीं मिलेगा कश्मीर जैसा लोग। सच में कसम से यार। भाई क्या कहते हो, मैं भी ट्रैवलिंग करने जब बहुत प्यार भी करता है, जब इधर उधर घूमता हूँ बोलते आ जाओ खाना खाओ, छोटू पैसा है, सब ठीक है, घर पे कैसा है, सब पूछते हैं। इधर का लोग बहुत बढ़िया है दोस्त। भाई वाह क्या बात है, कितना टाइम आपने बोला मुझे यहाँ पे? 5 साल से हूँ इधर। 5 साल से बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, कोई परेशान नहीं किया आज तक, कोई भी परेशानी नहीं आया। क्या करते हो आप यहाँ पे काम वगैरह? इधर पे दुकान है दोस्त, आयुर्वेदिक का दुकान है, जड़ी बूटी का दवाई बेचता हूँ जी जी। अच्छा चलो, और बाकी कोई टेंशन तो नहीं? कोई टेंशन नहीं, इधर पे बहुत मजा है, नहीं कोई टेंशन नहीं। ओके भाई क्या कहते हो, कब आते हो हमारे कश्मीर आप लोग? चले आओ जल्दी से, चलो चलते यहाँ से भी आगे। भाई कितने के? 500 रुपए के। 500 रुपए के? कहाँ से हो? बंगाल से। कितना टाइम हो गया यहाँ पे काम करते हो? 6 महीना हो रहा है। 6 महीना ठीक है। कैसे यहाँ के लोग? काम करने के लिए आए हैं? नहीं नहीं, लोग कैसे, लोगों की एक्सपीरियंस क्या है? नहीं तब भी कोई परेशानी? लोग कैसे यहाँ के? अच्छे लोग हैं। लोग अच्छे? एक सेकंड मेरी तरफ देखना यार, कोई टेंशन नहीं आपको, किसी चीज की टेंशन है क्या? सब ठीक है ना, फर्स्ट क्लास है ना? कितना 6 महीने हो गए? खाली 6 महीने? कहाँ से? बंगाल से। बंगाल से? परेशानी में दिख रहे हो जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ फिट हो ना? मैं खुद बाहर से हूँ, टेंशन मत लो यार, मैं खुद बाहर में होता हूँ इसलिए मैं आप लोगों की थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ जानता हूँ। कैसे कट रही है आपकी ज़िंदगी? ठीक है ना, किसी चीज़ की ज़रूरत? ओके। परसों मैंने आपको श्रीनगर वाला लाल चौक दिखाया था, आज अनंतनाग वाला लाल चौक दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वो वहाँ का लाल चौक था और ये यहाँ का है जनाब, ये चेक कीजिए आप। मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका काम ही चल रहा है, पूरा कंप्लीट नहीं हो चुका है अभी तक। सो चलो थोड़ा इस मार्केट में कुछ जानते हैं, लाल चौक वाले मार्केट में। हेलो भाईजान, क्या हाल है? बस ठीक, आप बताओ। मज़े में? गोलगप्पे खिलाओगे क्या? पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा और क्या बात है, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से हो? हाँ जी। पीछे बेंगलोर के मिल रहे हो आप, बिहार से मिल रहे हो, कब से यहाँ पे काम कर रहे हो? एक साल हो गया। क्या एक्सपीरियंस है यहाँ की? सही है। कैसे है यहाँ के लोग? सही है। क्या कहना चाहोगे अपने लोगों को? अच्छी बात, यहाँ पे अच्छा है, कोई टेंशन नहीं होता, कुछ दिक्कत नहीं है। कोई टेंशन तो नहीं है यहाँ पे? कुछ हुआ तो नहीं कभी आपके साथ यहाँ पे? ठीक हो ना? अभी आप बिल्कुल अनंतनाग के लाल चौक के सामने गोलगप्पे बेच रहे हो, यहाँ पे किसी चीज़ की टेंशन तो नहीं?
फिट हो ना, किसी चीज़ की ज़रूरत? ओके थैंक यू, मैं खेल रहा था, मुझे गोलगप्पे नहीं खाने। सो गाइज फाइनली हमने मार्केट दिखा लिया आपको, ठीक है ना। अभी ये हमारे पीछे मेटाडोर लगी है, इसमें हम बैठेंगे सीधे रेलवे स्टेशन के लिए। और रेलवे स्टेशन में आपने अपनी बाइक रखी है, वहाँ से घर। तो मार्केट आज आपने देख लिया, जितना मैं दिखा पाया उतना मैं आपको दिखाया। अभी तक आपके भाई ने खाना नहीं खाया है। तो रेलवे स्टेशन 3:06 पर हमारी ट्रेन है यहाँ से, अभी टाइम है। सो वहीं पे देखेंगे, खाना वहीं पे खाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम सही नहीं है। तो वहीं पे जाके खाना खाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे फिर घर के लिए। ये हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए, ये खाना खाए, अभी यहाँ पे खाना खाएंगे, उसके बाद चलेंगे, मिलेंगे सीधे अपने बनिहाल में, ठीक है, तब तक नहीं। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन अनंतनाग, ठीक है ना। अभी हम यहां से चलेंगे बनिहाल की तरफ, और आप मेरे पीछे देख सकते हो रेलवे स्टेशन। अभी मैं आपसे ये बात करने वाला हूं कि शायद मैंने परसों के व्लॉग में कहा था कि ये लास्ट वाला व्लॉग है, तो लेकिन आज मुझे अनंतनाग आना पड़ा, उसकी वजह से वो लास्ट नहीं था। आज इसको हम एंड करते हैं, इसके बाद आप मुझे सीधे दिल्ली में देखोगे, वो वाला व्लॉग होगा, और उसके बाद सीधे सऊदी में। तब तक मैं कोई व्लॉग कुछ भी नहीं डालने वाला, और क्या पता कि मैं जब यहाँ से निकलूँगा मैं सेम घर पे ही रखूँ, तो उसके कारण कि जो भी मैं व्लॉग शूट करूँ तो मैं वो अपलोड ना कर पाऊँ, उस चीज़ को भाई देखना। क्योंकि मैं डे व्लॉगिंग तो आज कर रहा हूँ, लेकिन आज एक मसला भी हो रहा है। अब जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सिम मेरे पास नहीं होगी, वो घर में होगी। तो अगर कहीं पर मुझे वाईफाई मिला या कुछ भी मिला, तो हो सका मैं व्लॉग एडिट करके अपलोड कर दूँगा। तो बाकी जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा जाऊँगा वो सब मैं आपको दिखाऊँगा। अभी करेंगे एक काम, मैंने अपनी बाइक जो है वो लास्ट टाइम आपको दिखाएंगे, वो मैंने रखी है बनिहाल रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पहुँच के वो दिखाऊंगा, फिर करूँगा मैं इस व्लॉग को वहीं पे। YWSRAY EES रेस BHAT ये चल गया, रेस बट लाइट्स, ये आ गया रेस बट लाइट्स, ठीक है ना। कहाँ पे ये मेरी, ये देख लेना, शाम को तुम्हारा वीडियो आएगा, ठीक है, अब मत करना। नहीं करूँगा। मैंने इसका एक क्लिप ली थी छोटी सी, लेकिन वो डाल नहीं पाऊँगा, वो बहुत ही ज़्यादा वो फनी है यार, नहीं डाल पाऊँगा, ठीक है। तो इसको लगा ये शायद डालेगा। फाइनली मैं आपसे ये बात करने वाला था, हम पहुँच गए बनिहाल रेलवे स्टेशन, और ये रही प्यारी सी RS अपनी, और अभी हम यहाँ से चलेंगे सीधे घर, ठीक है। तो भाई इसकी तो बहुत याद आएगी, मुझे सेल करना था ना, अब नहीं कर रहा हूँ मैं इसको सेल। भाई मैं खुश हूँ, ये अपनी जान है, इसको कहाँ से सेल करूँ भाई। बहुत बंदों ने कहा था लेकिन नहीं करना इसको सेव, इसको यहाँ पे बिठा के रखा है तो यहीं पे रखेंगे। तो अब करेंगे एक काम, मैं इस व्लॉग को करूँगा आज यहाँ पे एंड, क्योंकि आज बहुत ही अच्छा व्लॉग है। तो जो भी मेरे चैनल पे नया हो ना भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मत भूलना, ठीक है। और मिलते एक नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत ज़्यादा अल्लाह हाफिज़।